Yo guys, what's up and welcome to my channel. आज का दिन देखे तो okay, कुछ फिलहाल दिखाई भी नहीं दे रहा एंड वंस अगेन हमेशा की तरह भैंस की बारिश हो रही है. सामने क्या लाइट पड़ रही है यार, भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे लास वेगास देख रहा हूँ मैं दूर से. बट एनीवेज गाइस, टाइम की तरफ देखो तो सुबह के 6:15 बज चुकी हैं और दिन का सबसे पहला काम ऑब्वियसली हमको जिम जाके आना है और इसके बाद दिन का दूसरा काम जो है बारिश को देख के कंप्लेंट्स करनी है. एक तो लॉकी अपना कूड़ा वगैरह उठाता भी नहीं है, बट इट्स ओके, मैं हूँ, टेंशन नहीं है. और यार अकेले रहने के यही फायदे भी हैं और यही ड्रॉबैक्स भी हैं. ये जाएगा यहाँ पर. तो फायदे ये है कि सारे काम खुद करने, विच इज गुड, एंड नुकसान ये है कि सारे काम खुद ही करने. जिम जाने से पहले प्रोटीन लेना भाई, प्रोटीन कुछ ज्यादा ही हो रहा है. ठीक है, एक एक स्कूप उन्होंने बोल के रखा था कि एक स्कूप इज मोर देन इनफ. तो ये है यहाँ का सबसे बिजीएस्ट रोड, ठीक है, जहाँ पर मैं रहता हूँ. सबसे बिजीएस्ट रोड यही है और लिटरली सड़क के ऊपर एक गाड़ी को छोड़ के मैं ही हूँ. मतलब था कि पूरी दुनिया सो रही है और हम लोग यहाँ पर सुबह सुबह बैठ के प्रोटीन शेक पी रहे हैं. लेट्स गो. घूमे 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 बहुत बेकार टेस्ट है इसका यार. यार सुबह सुबह जिम का पंगा खत्म करें कितना मजा आता है ना, ये मेरे को पता है. और ये देख रहे हो गाइस, हल्की हल्की सुबह भी हो रही है. लेट्स गो, मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ. तो ये देख रहे हो सामने ये बड़ी बिल्डिंग है, ये है साउथ वेल्स की यूनिवर्सिटी. आप लिखा भी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स. और यहाँ पर ना गाइस पहले ना बहुत बड़ा लेजर सेंटर था, लाइक बहुत बड़े वाला. तो अभी उन लोगों ने तोड़ के, इनके पास पैसा कुछ ज्यादा ही आ चुका है, तो ये तोड़ के फिर से ब्रांड न्यू बनाने वाले हैं. अब ऑब्वियसली गाइस बारिश में तो कुछ भी नहीं बनने वाला, लेकिन इसका डिजाइन मैंने देखा ऑनलाइन में, भाई क्या एपिक लग रहा है, मैं बता रहा हूँ. चलो 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 चलो, फाइनली गाइस अपने घर के अंदर आ चुके हैं. खोल दे अब, लेट्स गो. And welcome back to my house. और अभी थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते हैं और मेरे को पूरा नहाना धोना नहीं है क्योंकि मेरे को बाद में पैकिंग वगैरह करनी है. तो मेरे को पता है भैंस की फिर से धूल मिट्टी लग जाएगी मेरे ऊपर, तो हल्का हल्का हाथ मुंह धो लेते हैं फिर करते हैं अपना नाश्ता. भाई क्या धुएंदार परफॉर्मेंस हो रही है यहाँ पर. इसको भी यहाँ से कर लेते हैं ऑन. भाई क्या जब लाइटें ऑन होती है ना, क्या खतरनाक फील आती है ब्रो. ये मेरे हो जा ऑन भाई, बेइज्जती करवा रहा है यार ये तो अब. और यहाँ पर एनिमेशन होती है, मेरे को पता भी नहीं था. और ये लाइटें क्यों ऑन नहीं हो रही. ओके चलो, ओके सबसे पहले बीप आएगी फिर फटाक से लाइटें ऑन हो जानी. हाँ हाँ डर का यार, मतलब एक सेकंड के लिए अपनी हीटिंग चलाओ फुल मोड पे. बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि घर का टूर करो, तो एक काम करते हैं फटाफट से चाय घटक के ना, मैं आप लोगों को आज पूरे घर का टूर करवाता हूँ. लेट्स गो, अभी मैं आपको पूरे घर का टूर करवाता हूँ, रेडी हो जाओ. मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सीधा बाहर से शुरुआत करवाता हूँ, तो पूरा बाहर से अंदर आएंगे, यहाँ वहां घूमेंगे एंड पूरा टूर करवाता हूँ आपको, एकदम प्रॉपर ऑफिशियल टूर. बोलो लेट्स गो. ओके गाइस, तो ये रहा अपना घर बाहर से एंड ये ड्राइववे भी अपना है. ये भैया की गाड़ी है जो कि हमेशा यहीं पर खड़ी होती है और साथ में आती है एक छोटी सी गली जो कि सीधा जाएगी अपने गार्डन के अंदर. लेकिन अभी घुसते हैं अंदर, लेट्स गो. अभी कर देते हैं लॉक. तो बेसिकली ये है हमारा लाइक कॉरिडोर कह सकते हैं, जो कह सकते हैं आपकी मर्जी. और ये गंद आप बिलीव नहीं करोगे, ये एक साल से यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ब्रांड न्यू सामान है, मैंने अभी तक तो खोला भी नहीं. तो यार इसके अंदर है पिचकारी वगैरह जो कि मैं लेके आया था, हमको लगा था कि गर्मी के अंदर वीडियो वगैरह बनाएंगे. ये है हमारी मिक्सी एंड जूसर, ये लिटरली ये झाड़ू है. मेरे को लगा था कि जब मैं गार्डन साफ कराऊंगा ना तो उसको टाइडी अप करने के लिए हम ये वाला ब्रश यूज करेंगे. तो ये लिटरली इलेक्ट्रॉनिक झाड़ू, हूवर नहीं है, ये लिटरली झाड़ू है. तो यहाँ पर अपने मैं जूते वगैरह उतारता हूँ एंड अंदर घुसते हैं. एंड ये आता है अपना लिविंग रूम जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गंदा पड़ा हुआ है मैन. और ये आता अपना लैपटॉप और ये रहा अपना पीसी का सामान. तो ये है तीन पीसीज बिल्ड करने के बाद का कचरा. तो यार ये सारे डब्बे खाली पड़े हुए हैं. मेरे को पता नहीं मैंने डब्बे क्यों सेव कर रखे हैं, बट ये होता है ना हमारे कल्चर में डब्बे सेव करने हैं. तो यार ये कमरा मैंने डेकोरेट भी नहीं किया, मेरे को लगा था कि मैं कमरे के अंदर आराम से सोफे वगैरह डालूंगा, यहाँ पर टीवी वगैरह लगाऊंगा, एकदम मस्त वाली एकदम चिल मारेंगे. तो यार वो चिल वाला टाइम कभी आया ही नहीं. बट एनीवेज ये कमरा बंद कर देते हैं और यहाँ से निकलते हैं, सीधा जाएगा अपना, ये आता है अपना डाइनिंग एरिया जो कि फिलहाल बन चुका है एक छोटा सा स्टोरेज एरिया. तो यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है, ये सब रबिश है. हमारे कल्चर में रबिश फेंका नहीं जाता, कभी काम आ जाएगा, यू नो दैट कभी काम, वो कभी आता ही नहीं है कभी. तो ये उसी दिन से पड़ा हुआ है. तो ये रबिश है और ये रहा मेरा एम्प्टी सिलेंडर जो कि मेरे को बाद में जाकर रिफिल भी करना है. ये रही तो खतरनाक वाली बाइक जो कि एकदम से पंचर भी हो चुकी है, ये भी मेरे को रिपेयर करनी है. और यहाँ पर आते हैं अपने
इलेक्ट्रिसिटी के मीटर और अपने टूल्स जो कि मैंने बहुत ज्यादा यूज किया अपने घर को बनाने में। तो यार अपने टूल्स तो यार इसको बंद कर देते हैं एंड फट से यहाँ पर कोने में अपना फ्रिज लगा हुआ है। और मैं बता रहा हूँ ब्रो, ये डाइनिंग एरिया अपना घर, I'm so lucky, अपना घर बहुत बड़ा, लाइक एक बंदे के लिए, लाइक इवन लाइक पांच छह बंदों के लिए, इवन पूरी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा है। बट एक प्रॉब्लम है, अपनी किचन बहुत छोटी है। तो यार गाइस अपनी किचन भाई, ये रही मेरी चटनियां वगैरह। मेरी मम्मी बोलते हैं कि चटनियां वगैरह जो है हमेशा अलमारी के अंदर रखती हैं। भाई मेरे को अलमारी के अंदर चटनियां नहीं रखनी, मेरे को बहुत गंदा लगता है। अलमारी खोलो फिर पांच डब्बे निकालो और पांच डब्बों के पीछे पड़ी होती है लाचियां, मेरे को नहीं पसंद है। देखो यहाँ पे पड़ी होंगी तो मैं यूज भी कर लूंगा, अगर पांच डब्बों के पीछे चीजें पड़ी होंगी तो मैं यूज कभी नहीं करूंगा। तो यह गाइस, तो ये रही मेरी चटनियां पुटनियां चीजें वगैरह। तो यह एक काम पड़ गई थी चटनियों के लिए तो मैंने दूसरी ले ली। तो यह वंस अगेन कुछ और चटनियां चुटनियां। और ये रहा अपना एंटरटेनमेंट वाला एरिया। एंड प्लीज मत बोलना कि बॉयलर कैसे चलता है, मैं तंग आ चुका हूँ भाई, प्लीज मत पूछना मुझसे कि बॉयलर कैसे चलता है। हर एक वीडियो में बोलना पड़ता है कि ये बॉयलर है, ये इससे कनेक्टेड है, ये पूरे घर के अंदर हीटिंग लगी हुई है, ये वाली तो पूरे घर को वार्म अप करता है, बड़ा नहीं वेस्ट। तो ये रही मेरी कुछ अलमारियां जो कि मैं फिलहाल नहीं खोलूंगा, तो ये मेरे को नहीं खोलनी। तो ये रहा मेरी और अलमारी एंड ये रहा अपना कुकिंग स्टेशन। इस घर की मेन चीज पता है क्या, इस घर के अंदर क्या बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा लाइट आती है। तो यहाँ पर भी खिड़की लगी हुई है, यहाँ पर भी लगी हुई है, यहाँ पर भी लगी हुई है, यहाँ पर भाई एकदम एपिक। बट एनीवेज ये रहा मेरा कुकिंग वाला स्टेशन। ये रही मेरी वॉशिंग मशीन जो कि मैंने करीब तीन बार यूज किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कपड़े नहीं धोता, तो मैं मम्मी आके ले जाती है, बोलते हैं तो मैं धो लूंगी। तो यार बट एनीवेज ये रहा अपना कुकिंग स्टेशन एंड वॉशिंग स्टेशन। ये कुछ और चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो ये तौलिया वगैरह यहाँ पर लमकी हुई हैं। एंड ये रही अपनी कैटल, ये रहा अपना एयर फ्रायर एंड ये रहा अपना क्या बोलते हैं स्टीमर, अपनी गैस और अपना ओवन। बहुत ज्यादा यूज करता हूँ मैं ओवन। तो ये रहा गाइस हमारा किचन प्लस डाइनिंग प्लस लिविंग एरिया। और इन सारी जगहों में मैं सिर्फ यही कमरा यूज करता अपनी किचन में, ये भी यूज नहीं करता, ये भी यूज नहीं करता, वो भी यूज नहीं करता। बट एनीवेज अभी यहां से मेरे को चलना है ऊपर। और यहाँ पर की खिड़की लगी हुई है, वन सेकेंड क्या मस्त लाइट आती है ना, मेरे को पता है। और यहाँ पर भी खिड़की लगी हुई है, तो मेरा प्लान था ये खिड़की को तोड़वा के पूरी बड़ी एकदम से मैसिव खिड़की यहाँ पर बनानी है। और यहाँ पर लैंडिंग एरिया, तो मतलब एक मिनी लैंडिंग एरिया, तो यहाँ पर मैं अपना फर्नीचर वगैरह मैंने सोच कर रखा था कि मैं यहाँ पर रखूंगा, साथ में फ्लावर्स वगैरह यहाँ पर होंगे, क्योंकि जगह मेरे पास बहुत सारी है, बहुत जगह मेरे पास। एंड ये रही एक और लैंडिंग, तो ये मेरे को मेरे दोस्त ने गिफ्ट देकर रखे हुए थे। ये कुछ कपड़े मेरे वहां पर पड़े हुए हैं, तो जब मैं फ्रेश होकर आता हूँ तो वहीं पे फेंक देता हूँ और मम्मी आके ले जाती है। पर एनीवेज ये रहा अपना लैंडिंग एरिया, वंस अगेन एपिक खिड़की लगी हुई है। ये रहा मेरा लैंप। और ये एक्चुअली ये वाली जगह मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। एंड वंस अगेन देख रहे हो कितनी लाइट आ रही है, मतलब कि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का फंडा ही नहीं चाहिए। तो यार ये एक उसके बाद आता है ये एक टॉयलेट थोड़ा छोटा सा, उसके बाद ये आता है मेरा शावर रूम। तो यहाँ पर भी तौलिया वगैरह लटके हुए हैं। तो ये रहा मेरा शावर, साथ में टॉयलेट एंड ये साथ में मेरे कुछ क्रीमे क्रूमे एंड ये रहा मेरा सिंक एकदम बढ़िया। एंड मेरी बेस्ट चीज यहाँ से निकल के ये रहा मेरा बेडरूम नंबर वन। तो ये बहुत बहुत ज्यादा गन पड़ा हुआ है। ये रहा पुराना पीसी एंड ये रहा मेरा बेडरूम नंबर वन। बेसिकली ये मैट्रेस है जो कि मैं कभी यूज भी नहीं की, पिलोज मैंने कभी यूज भी नहीं किए, और वो रही मेरी ब्रांड न्यू अलमारी जो कि मैंने कभी यूज भी नहीं की। ये मैं अपने पुराने स्टूडियो से लेके आया था। आपको याद होगा जब मैं पहले वीडियो बनाता था ना, तो ये हमेशा कैमरा में आती थी और इसके ऊपर हमेशा कपड़े वगैरह पड़े होते थे। तो मेरे को लगा कि ये काम करते ले आती है, टेम्पररी तौर पर रख लेंगे, बाद में फेंक देंगे, लेकिन ये पड़ी रह गई। उसके बाद आती है मेरी छोटी सी एक और अलमारी, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? ओ इसके अंदर ये चीजें पड़ी हुई है। ओके ओके ओके, तो ये बेडशीट्स वगैरह है। मेरे को याद है मैंने बेडशीट्स के लिए पूरा व्लॉग बना कर रखा था और मैंने बेडशीट डाली भी थी। बाकी ये आपके सामने गंद वगैरह पड़ा हुआ है, यू नो लाइक इस गंद एवरीवेयर। उसके बाद ये वाले कमरे से निकल के ओपन से ये कमरा भी मैं यूज नहीं करता, तभी गंद पड़ा हुआ है। जो चीजें मैं यूज करता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ जो चीजें मैं यूज करता हूँ एकदम टाइडीड है। अरे मैंने कोई ये चीज दिखाई भी नहीं ये। तो बेसिकली गाइस ये है अपनी एक स्टोरेज, तो यहाँ पर कपड़े वगैरह जूते वगैरह जो भी पड़े हुए हैं आपके सामने ही है। और ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊं, ऊपर अपने पड़े हैं टूल्स। ब्रो मैं बता रहा हूँ ये टूल्स ना मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इजी करते थे, बहुत ज्यादा। बट एनीवेज उसके बाद अरे मैंने छत भी रिपेयर नहीं करवाई यार। अब ऑब्वियसली गाइस हर एक दिन बारिश पड़ रही है, लाइक लिटरली अभी बारिश पड़ रही है, देख सकते हो पूरी सड़कें गीली हैं। तो जिसको मैं बुला रहा हूँ वो नहीं आ रहा, वो बोल रहा है इस बारिश के ऊपर हमारा दिमाग खराब नहीं है कि ऊपर चढ़े तो छत रिपेयर करे। यहाँ से निकल के ये रहा मेरा बेडरूम। ओके देखा, जैसे मैं बता रहा जो चीजें मैं एक्चुअली यूज करता हूँ वो एकदम टाइल्ड है।
तो यार ये रहा मेरा बेड, या मैं इतने सारे पिलोज यूज करता हूँ, एक यहाँ हाथ के नीचे, एक सर के नीचे, एक पैरों के नीचे, एक यहाँ पर, मैं पिलोज बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो ये रहा अपना एकदम शानदार बेड, एंड बेड के साथ आता है ये अपना पीसी, एकदम मस्त लग रहा है यार भाई मेरा फेवरेट ये छोटा सा लैंप भाई। शाम को जब मैं लैंप चला के यहाँ पर गेमें खेलता हूँ ना, क्या मजा आता है, क्या रिलैक्स होता हूँ, ये मेरे को बताएं। तो ये ओके, तो ये अपना पहले वाला पीसी जो कि एक्चुअली मैं यूज करता हूँ और कभी कभी लॉगी भी यूज करता है। और ये रहा साथ में एक और अलमारी जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं खोलूंगा, बट ये रही मेरी अलमारी। ये अलमारी लगानी थी डेकोरेशन के लिए, तो यहाँ पर मैंने सोच कर रखा था कि यहाँ पर फ्लावर लगेंगे, यहाँ पर लाइटें लगेंगी, यहाँ पर मैं स्पीकर वगैरह लगाऊंगा, यहाँ पर कुछ और फ्लावर लगेंगे, छोटी छोटी चीजों से मैं ये पूरी जगह भर दूंगा, लेकिन फिलहाल कपड़ों से भरी हुई है। मैं पता क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कपड़े निकालता हूँ, यहाँ से कपड़े निकालता हूँ, वीडियो के लिए शर्ट डाली, चेंज की, उतार के वहां फेंक दी। फेंक ही नहीं है, वैसे देख रहे हो टाइडी अप मैंने करके रखा हुआ। तो यार अपना कमरा तो हमेशा टाइडी अप ही होगा ना। एंड फाइनली उसके बाद आता है हमारा स्टूडियो जहाँ पर हम मोस्टली रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मैं यहाँ से दरवाजा खोल के दिखाऊँ ना, तो एंड ये रहा गाइस अपना गेमिंग का फंडा, सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं इस कमरे के अंदर। ओके सबसे पहले आपको मैं यहाँ का बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। तो ये रही मेरी खतरनाक वाली अलमारी, एंड ये रहा मेरा प्ले बटन। और या अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट से नीचे सब्सक्राइब कर दो ताकि ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाए। यही मेरी लाइट जो कि वीडियो के अंदर जब मैं चलाता हूं तो बहुत मस्त लगती है। एक और छोटी सी लाइट, इसके ना पीछे भी लाइट लगी हुई है यहाँ पर, जो कि मैं चलाता हूँ यहाँ से। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूँ ना, क्लिक नहीं, आई मीन कौन सी वाली थी, ये वाली है। तो अगर मैं ये वाली भी दिखाऊँ तो यहाँ से ये सिस्टम अपना ऑन हो जाएगा। इसको भी ऑन करो, इसको भी ऑन करो, एंड अगर मैं इसके ऊपर फटाक से क्लिक करके देखूँ तो तारा। यार मस्त है यार ये वाली लाइट। और भाई काली दीवार के ऊपर क्या शाइन करती है ना लाइट, ये मेरे को बताए। और पता है क्या चक्कर है, ये दीवार ना एक्चुअली येलो थी बाकी दीवारों की तरह। तो देख सकते हो यहाँ पर तीन दीवारें येलो है, तो ये भी येलो थी। तो जब मैंने अपने एडिटर को दिखाई ना, तो उससे बोला चपाती भाई इसको काला करो, बहुत मस्त लगेगी, मेरा फर्नीचर भी पीला है और ये चीजें भी पीली है, तो ये पीली लाइट तो मतलब कि पीला फर्नीचर काली दीवार के ऊपर बहुत ज्यादा एपिक लगेगा। एक्चुअली ब्रो बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, एक्चुअली बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। और दूसरी बार मैंने सोच कर रखा था कि ये बटन्स मैं यहाँ वहां 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 लगाऊंगा, लेकिन वो मेरे को कभी समय ही नहीं मिला। बट एनीवेज ये रहा अपने कुछ प्लांट्स जो कि मैं जहां पर भी जाता हूँ, जिस घर में जाता हूँ, लेके जाता हूँ, एकदम से बेस्ट वाले हैं। ये चोमू वाला अपना फेवरेट वाला है, ज्यादा ही बड़ा हो गया यार। और ये भी पहले इतना सा था, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। बट एनीवेज ये रहा मेरा बैम्बू वाला प्लांट, एंड ये रहा अपने बाहर का व्यू। मैं बता रहा हूँ ब्रो, ये व्यू दी बेस्ट व्यू है यार। शाम को सारी दुनिया के ऊपर मैं नजर रख सकता हूँ, और उस तरफ है सामने लॉगिया घर यहाँ पर। और पता क्या चक्कर है, ये घर इस तरफ फेस कर रहा है, तो मतलब कि सनराइज यहाँ से होता है, तो मैं सुबह का वो भी देखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ तो मेरे को सब कुछ दिखता है, एंड सनसेट होता है वहां पर। तो भाई साहब पूरा दिन कमरे के अंदर रोशनी रोशनी, क्या एपिक फील होती है, मैं क्या ही बताऊं। बट एनीवेज ये रहा अपना गेमिंग सेटअप। तो यह पूरा कार्यक्रम आप लोग जो देखते हो वीडियोस का, सारा यहीं से आता है। तो यह वंस अगेन यार अपना नया वाला पीसी एकदम एपिक। तो पूरा चीजों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है कि ये माइक है, ये मिक्सर है, और ये एलगाटो का पता नहीं क्या है। पर आपको डिटेल्ड टूर चाहिए कि मैं क्या क्या यूज करता हूँ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आया, घर का टूर पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, एंड बाय।